पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुई आतंकवादी घटना के विरोध में मुरादाबाद में जहां आतंकवाद का पुतला फूंका गया, वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का भी पुतला फूंका गया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को संभलने की नसीहत भी दी गई। आतंकी घटना में शहीद हुए सैनिकों की शहादत को सलाम करते हुए शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। पुलवामा में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों पर आतंकी हमला होने से पूरे देश में एक उबाल है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हमारे देश के 42 जवानों को शहीद कर दिया गया था। जो कायराना हरकत पाकिस्तान ने की है उसका जवाब सरकार को देना होगा। सैनिकों की शहादत को लेकर देश के प्रधानमंत्री से मांग की गई कि इस घटना को अंजाम देने वाले आतंकियों और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जल्द ही कड़ा फैसला लिया जाए। हमारे सीआरपी भाइयों पे हमला हुआ है पुलवामा में, उसको लेकर पूरा देश में बंद है। इसके लिए मुरादाबाद में हर व्यापारी ने बंद करा है। इसके लिए हमने पूरे शहर में पुतला जला बनाकर अर्थी निकाली है और पुतले का जलाएंगे बीच चौराहे पे ले आकर। और हम पाकिस्तान सरकार से कहना चाहते हैं, बाज आओ मतलब टुकड़े इतने करेंगे कि आप भी याद रखोगे। देशवासियों के लिए और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए संदेश देना चाहता हूँ कि पुलवामा के हमले का तुरंत पाकिस्तान से बदला लिया जाए और पाकिस्तान के 4 टुकड़े करके पाकिस्तान का मतलब कब्जा किया जाए। और जो नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान समर्थक हैं, इनको पाकिस्तानी करार देकर इनको पाकिस्तान भेजा जाए। इनका यहाँ पर इंडिया में कोई काम नहीं है।